उज्जैन के प्राचीन सिद्धवट मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला, जहां लोग प्राचीन वट वृक्ष की पूजा कर पितृ शांति के लिए प्रार्थना की। बताया जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इन 16 दिनों की अलग अलग दिन ब्राह्मणों को भोजन दान के साथ श्रद्धानुसार दान किया जाता है। पूरे देश भर से श्रद्धालु उज्जैन में अवंतिका नगरी में अपने पूर्वजों के लिए आते हैं। तो यहाँ पर गया कोठा जो जगह है, जहाँ पर विष्णुपदी और फाल्गु का स्थल है, तो जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष के अंदर गया में पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे 10 गुना अधिक स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में इस अवंतिका नगरी में प्राप्त होती है। जैसे वहाँ वटवृक्ष है, ऐसे यहाँ सिद्धवट है। जैसे वहाँ पर विष्णुपदी है, ऐसे यहाँ विष्णुपद है। वहाँ फाल्गु है, तो फाल्गु के रूप में यहाँ शिप्रा और फाल्गु के रूप में एक अलग स्थल भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के लिए जहाँ पिंडदान किया था, वो स्थल रामघाट है। और इसलिए पूरे श्राद्ध पक्ष में पूरे देश भर से हजारों की संख्या में लोग लगातार इस तीर्थ भूमि में आकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण।